एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी चीज़ जिसको कहने में भी सब शर्माते हैं और सोचते हैं कि क्या करें क्या ना करें। कई बार हम काले अंडर आर्म की वजह से परेशान रहते हैं। कई बार हमें जाना होता है किसी पार्टी में और हम अपने लिए एक ऐसी ड्रेस का चुनाव करते हैं जिसमें हम ब्यूटीफुल लगें, लेकिन कई बार हमारे अंडर आर्म्स काले हो जाते हैं जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और एक ऐसा आउटफिट नहीं पहन पाते हैं जिसकी पहनने की हमारी इच्छा होती है। तो जो होम रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपके काले आर्मपिट की 10 मिनट में ही ठीक कर देगा। तो चलिए जानते हैं इस होम रेमेडी के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लाइक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए क्योंकि इसमें दूंगी मैं लास्ट में कुछ ज़रूरी टिप्स। इसके लिए हम लेंगे हमारा जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है कोलगेट, इसको हम लेंगे 1 टेबल स्पून। इसमें डालेंगे कोकोनट ऑयल 1/2 टीस्पून, और जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है लेमन जूस, 1/2 लेमन जूस डालेंगे। लेकिन अगर आपको लेमन से एलर्जी है, नींबू से एलर्जी है, तो आप लेमन को स्किप कर सकते हैं, आप इसको मत डालिए। आप इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कीजिए अच्छे से और उसके बाद अप्लाई कीजिए। मैं इसको अपने हाथ पे ही करके दिखाती हूँ। उसको क्लीन कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद इसको अप्लाई कीजिए और उसके बाद 10 मिनट तक इसको सूखने दीजिए। उसके बाद इसको हल्के से हाथ से पानी को हम लेंगे और हल्के हल्के इसको रब करेंगे और उसके बाद इसको वॉश कर लेंगे। एक ही बार के यूज़ के बाद आपको लगेगा कि काली परत उतर गई है। तो अगर आप इसको वीक में 3 बार करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपकी आर्मपिट आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आपके जो अंडर आर्म्स हैं वो एकदम आपके कॉम्प्लेक्शन से मैच कर जाएंगे। इसके साथ ही मैं बताती हूँ कुछ टिप्स। अगर आप डीओ यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है आपको, तो आप डीओ डायरेक्टली अपनी स्किन पर मत अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब भी हम अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो उसमें हार्श केमिकल होते हैं वो हमारी स्किन को डिसकलर कर देते हैं, जिससे हमारी अंडर आर्म्स जो हैं काले हो जाते हैं। और अपनी अंडर आर्म को या तो ना तो किसी क्रीम से ना उसको रेज़र से शेव कीजिए, उससे भी हमारी जो है अंडर आर्म्स काली हो जाती हैं। तो आपको करना क्या है, आप जब भी उसको क्लीन करना हो अपने अंडर आर्म्स को, तो आप उसमें वैक्स कीजिए। वैक्स से जितनी भी हमारी डेड स्किन सेल्स होती हैं वो निकल जाती हैं। अगर आप वैक्सिंग करते हैं तो उसमें भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आप कुछ फॉलो कीजिए, और जो आज मैंने आपको होम रेमेडी बताई है उसको ट्राई कीजिए 3 टाइम्स इन अ वीक, और आप रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और अगर आप आने वाली बदबू से परेशान है या स्वेटिंग होती है, तो आप उसकी जगह गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं। गुलाब जल आप अपने आर्म पिट पर या फिर अंडर आर्म्स पर लगाइए, तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्वेटिंग है वो कम हो जाएगी और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, और अगर रिजल्ट आपके साथ अच्छे रहे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।